हेलो सतीश जय, सबको हेलो। पुरुषोत्तम, थैंक यू सतीश। हेलो सतीश जी, कैसे बम बम बोले, अच्छी हूँ जय। सलमान अली खान, अच्छी हूँ, ठीक हूँ। प्रकाश कुमार, कल्पेश, हेलो, थैंक यू। विनोद वागले, हेलो मैंने अपनी एक मूवी का एक हल्का सा एडिट क्लिप आज अपने यूट्यूब चैनल पे डाला है, आप लोगों को कैसा लगा? हॉट है फिल्म, सेक्सी फिल्म है, एंटरटेनमेंट के लिए बनी है, आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा। काफ़ी लोगों ने इनबॉक्स पे गलत मैसेजेस किए हैं, तो देखिए ब्लॉक करने में 1 मिनट लगता है, तो हो सके ना तो बदतमीजी ना करें। थैंक यू सतीश जी, बालाजी, थैंक यू। कोई सिंगल मदर जो अपने बच्चे के साथ अकेली रह रही है, सर्वाइव कर रही है, 38 के एज में ग्लैमर सीन कर रही है, ग्लैमर रोल कर रही है, ग्लैमर मूवी कर रही है चंद पैसे कमाने के लिए, ताकि उसका घर चले, वो बच्चे की सारी ख्वाहिशें पूरी करे। तो आप ऐसे मदर को गलत मैसेजेस ना करो तो अच्छा है, क्योंकि मेरा घर चलाने कोई नहीं आता है, मेरे बच्चे के मुंह में निवाला डालने कोई नहीं आता है। तो रिक्वेस्ट है कुछ कुछ कोई गलत मैसेज ना करे, जिनको प्रॉब्लम है वो प्लीज़ मेरे आईडी से ना बड़े मोहब्बत से चले जाए, वरना मुझे 1 मिनट लगेगा ब्लॉक करने के लिए। मेरा प्रोफेशन है, मैं अपना बच्चा अपना घर संभालने के लिए काम करती हूँ, और मैं 6 साल के बाद काम कर रही हूँ, तो आप लोगों ने मुझे ना प्रोत्साहित करना चाहिए, इंक्रेज करना चाहिए, ना कि मेरी टांग खींचनी चाहिए। एंटरटेनमेंट का दूसरा नाम सपना। मैंने आज छोटी सी झलक आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल में दिखाई, आपको कैसी लगी मुझे आप कमेंट्स में बताना, मुझे खुशी होगी। फिर से कह रही हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल सपना भाभी जी पर मैंने अपनी मैडम मूवी का क्लिप डाला हुआ है, आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा। थैंक यू नीलेश, गणपति बप्पा मोरिया। हाँ जय,
ही रहे। यस रितेश, मैं यही कोशिश कर रही हूँ। हेलो सुमित, थैंक यू वीरेन। थैंक यू हेमल, गुरमीत थैंक यू, शॉन थैंक यू, मैं 15 साल की उम्र से ही काम कर रही हूँ। मैंने हर तरह के रोल किए, मैक्सिमम मैंने हॉट फिल्में की, तब तो मैं लोगों को बहुत अच्छी लगती थी, अब कुछ लोगों को चुभने लग गई हूँ। कोई बात नहीं, कम से कम मैं चुभती तो हूँ ताकि आप मुझे याद तो कर सको। जब मेरे जगह रहकर देखोगे ना तब पता लगेगा। मेरी एक और मूवी स्टार्ट हो रही है, फिल्म का टाइटल मैं अभी नहीं बताऊंगी, वो भी आपको अच्छी लगेगी। जय, वो ट्रेलर नहीं था, ट्रेलर तो हम अच्छा बनाएंगे ना, ये जस्ट झटका था, लाइक ये कुछ नहीं है ऐसा, ये ट्रेलर वगैरह नहीं है। यस गुरमीत, चार दिन की जवानी होती है, ज्यादा हवा में मत उड़ो, बुढ़ापे में कोई पूछेगा नहीं। ये चीज मुझे उस वक्त समझाई गई थी जब मैं इंडस्ट्री में आई थी, इसलिए मैंने छोटा बड़ा हर तरह का काम रोल किया ताकि मुझे इस एज में वापस खड़ा होना हो तो वो सीख मुझे काम आएगी, और वो काम आ रही है। कोर्ट में डिवोर्स ये सब फाइल किया हुआ है, बस थोड़ी परेशान हूँ, कोर्ट के धक्के खाती हूँ, डेट पर जाती हूँ, क्योंकि अभी शादी में कुछ रखा नहीं जहाँ पे बीवी बच्चे की किसी को फिक्र नहीं है, उस इंसान के साथ ज़िंदगी काटना तो बेवकूफ़ी है। और वो इंसान अपनी गर्लफ्रेंडों के लिए मुझे मेंटली हरासमेंट करता है, आपको यकीन होता है? मुझे नहीं पता उसको उसकी गर्लफ्रेंड में मुझ में कितना डिफरेंस, वो बोलता तू कुछ नहीं है उसके सामने, ओके मैं कुछ नहीं हूँ, जो भी है सामने तो जियो, तुम जिसके साथ जिसके साथ जीना जियो, हम हमारे बच्चे के साथ जी लेंगे, बच्चे की माँ जिंदा है, कुछ भी करना पड़े ना बच्चे के लिए करूँगी। अभी 27 सितंबर को टाइगर 3 साल का होगा, स्टार्ट हो जाएगा थर्ड, और मैं 20 जुलाई को 38 स्टार्ट हो जाऊंगी।
मैं इतनी कम उम्र में आई ना, मैंने अपना ना बचपना अच्छे से खेला ना कुछ कुछ नहीं, बस काम ही किया, मेहनत ही की, मैंने खुद के लिए टाइम ही नहीं निकाला। ये सोच के मैंने ना शादी की थी, हाउसवाइफ बनी थी, लेकिन मेरे 5 साल खराब हो गए। बस ये है कि मुझे प्यारा सा बेटा मिला, बस काफ़ी है। वो 5 साल को मैं बुरा सपना समझ के भूलना है मुझे बस। तो मेरे हॉट वीडियोस को कोई डोमिनेट ना करें, गलत इंटेंशन में मत लो, काम है वो यार, काम है। हम 100 लोगों के सामने शूटिंग हुई थी, यूनिट के सामने हम काम करते हैं, इतने लोग होते हैं प्रोफेशन। और आजकल तो देखो वेब सीरीज देखो, मेरी फिल्म में अगर 10% है ना, तो वेब सीरीज है ना 110% बोल्ड सीन आ गए हैं। मेरी तो इतनी हिम्मत नहीं है, मैं जैसी हूँ मैं इतना ही कर सकती हूँ बस। चलो थोड़ा अपसेट हूँ मैं, बराबर बात नहीं कर पा रही हूँ सब लोगों से, तो मैं बाद में बात करती हूँ। बस आपका आशीर्वाद, आपकी दुआएं हम लोगों पे रखना। और मुझ पे क्या करें, अच्छी लगती उदास, सही कह रहे हो। अब वो पुरानी शेरनी ना थोड़ा टूटी हुई है, वापस बनूंगी शेरनी, बनूंगी, थोड़ा जिम्मेदारियां निपटा लूं।